राम राम गाइस, आज के वीडियो में जानेंगे क्रिएटिन के बारे में एंड क्रिएटिन हमें लेना चाहिए या नहीं एंड इसके कितने बेनिफिट है, इसका यूज कैसे करना है, तो देखते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट बेसिक लेवल से बात करते हैं। जैसे कोई बंदा वर्कआउट करना स्टार्ट करता है एंड फर्स्ट मंथ उसे बॉडी वेट वर्कआउट भी काफी हार्ड लगने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो बॉडी वेट वर्कआउट में परफेक्ट होकर साथ ही वेट ट्रेनिंग भी करने लगता है एंड हमारी बॉडी इक्विपमेंट से ट्रेनिंग करने पर काफी अच्छा पंप होने लगती है एंड इस रूटीन से नेचुरली हमारी बॉडी मसल एंड स्टेमिना इंक्रीज कर रही होती है एंड इसे और अच्छा बढ़ाने के लिए हमें एक अच्छी डाइट लेनी होती है एंड डाइट हमारे पूरे दिन का एक चेन होता है जिसमें सुबह दिन शाम और रात को हमें क्या क्या कंज्यूम करना होता है एंड गाइस उसी चेन का हिस्सा क्रिएटिन भी होता है एंड क्रिएटिन को आप डाइट से भी कंज्यूम कर सकते हो बट उसके लिए आपको वैसे ही डाइट फॉलो करनी होती है। सो गाइस रेगुलर वर्कआउट करने वालों को क्रिएटिन की नीड होती है एंड इसी वजह से हमें क्रिएटिन सप्लीमेंट की तरफ बढ़ना पड़ता है। अब बात करें क्रिएटिन हमें कैसे कंज्यूम करना है, तो प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट दोनों में से किसी भी टाइम आप कंज्यूम कर सकते हो। वैसे अधिकतर इसको पोस्ट वर्कआउट में लेने के लिए बोलते हैं बट डिपेंड करता है आप पर कि आपके लिए कब बेटर रहता है। पर्सनली हम बताएं तो हम यूज करते हैं इसको प्री वर्कआउट में एंड कभी कभी पोस्ट वर्कआउट में भी यूज कर लेते हैं बट ज्यादातर हम प्री वर्कआउट में यूज करते हैं। एंड क्रिएटिन लेने वालों के लिए सबका यही कहना है कि उनको पानी ज्यादा पीना है, बट हमारा कहना यह है कि आपको पानी का लेवल चेक करना है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए और कितना नहीं पीना चाहिए। तो उसके लिए आपको सिंपली एक चीज ध्यान रखनी है, दिन भर आप चाहे जितना पानी पियो लेकिन आपका यूरिन येलो कभी नहीं आना चाहिए एंड इससे आपको पता रहेगा कि आप कितना पानी पी रहे हो। और गाइस बात करें इसके बेनिफिट की, तो कंटिन्यू क्रिएटिन कंज्यूम करने से हमारी बॉडी का मसल साइज इंक्रीज होने लगता है एंड हमारी स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी इंक्रीज होती है। तो क्रिएटिन के बारे में तो आपने जान लिया बट क्रिएटिन लेने से पहले आपको बता अच्छी क्वालिटी का क्रिएटिन भी होना जरूरी है। तो हम रिकमेंड करेंगे आपको बेलकोर का एक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो कि इस बजट में एक अच्छा क्रिएटिन सप्लीमेंट है। क्रिएटिन को कैसे लेना होता है, इस क्रिएटिन के एक स्कूप में मिलता है 3 ग्राम क्रिएटिन, इसे लेना होता है 200 से 250 ml पानी में एंड 30 से 40 सेकंड इसे परफेक्टली मिक्स करना होता है। एंड गाइस इसे यूं ही कंज्यूम करते हो तो आपको टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला, तो बेटर होगा इसे आप किसी एनर्जी ड्रिंक के साथ लो या फिर किसी जूस के साथ लो। सो गाइस इस क्रिएटिन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वहां जाकर आप परचेज कर सकते हो या फिर आप गूगल पर जाकर सर्च करिए बेलकोर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड इसके वेबसाइट पर जाकर आप परचेज करते हो तो वहां पर एक कूपन कोड का ऑप्शन मिलता है जहां आपको हमारा कोड यूज करना है RT10 जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो जल्दी से जाकर परचेज कीजिए एंड इससे होने वाले बेनिफिट से अपने मसल एंड स्टेमिना को इंक्रीज कीजिए।